वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। अच्छा, कभी आपने किसी क्रिश्चियन देश में देखा है कि बहुसंख्यक लोग वहां पर अपनी भावनाओं को आहत कर रहे हो, खुद की भावनाओं को दबा रहे हो और वहां पर अल्पसंख्यक लोग जो है राज कर रहे हो, या किसी इस्लामिक देश को देखा हो? नहीं देखा। अरे लेकिन एक देश है जहां यह होता है कि खुद बहुसंख्यक लोग ही प्रताड़ित हो रहे हो और अल्पसंख्यक लोग जो है उस देश में राज कर रहे हो। नहीं पता चला? अरे अपना भारत भाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो हिंदुओं की सुनी नहीं जाती थी और अब हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की नहीं सुनी जा रही है, उन्हें टाल दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार को खुले में जुमे की नमाज को लेकर हिंदू संगठनों सहित स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। पिछले पांच हफ्तों से विरोध किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा। हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आप एक देश उठा लो, आप मुझे एक देश दिखा दो जहां पर इनकी तादाद ज्यादा हो और तानाशाही ना हो और ये दूसरे धर्म को प्रताड़ित ना कर रहे हो। वहीं पुलिस ने कुल 37 जगहों पर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है, जिसके विरोध में हिंदू महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में लोग आज पांचवें हफ्ते भी भजन कीर्तन करने, नारेबाजी करने सड़क पर निकल आए। विरोध करने की कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 12A इलाके में पहुंचे हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 30 बताई जा रही है। और अब जो आपको हम रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, शांति से सुनिए, कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए और सूझबूझ के साथ सुनिएगा, बड़ी शांति से सुनिएगा रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समूहों ने नू और पटौदी से अधिक लोगों को समर्थन के लिए बुलाया है कि भैया आ जाओ, ये हिंदू जो हैं विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम खुले में नमाज पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हिंदू विरोध कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि नू और पटौदी के मुसलमानों ने वास्तव में गुरुग्राम में अपनी मौजूदगी बनाई है। नू और मेवात में कथित तौर पर हाल के दिनों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या बसाए गए हैं और मेवात में वही इलाका जो है उसी इलाके को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, जहां पर जिस तरह के आए दिन हुड़दंग मचाते रहते हैं लोग, रेप्स होते रहते हैं, घटिया तरीके के जो है क्राइम्स होते रहते हैं। मुस्लिम समूहों ने नू और पटौदी से अधिक लोगों को समर्थन के लिए बुला लिया और अभी तक इस तरह की चीज़ें जो हैं अभी तक सामने नहीं आई हैं। वहीं इन लोगों ने धमकी देना शुरू कर दिया है। जानते हैं क्या, मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष हाजी शहजाद खान ने कहा कि अगर वह, यानी कि हिंदुओं को कह रहे हैं कि अगर वह नारे लगाते हैं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर वह हमें निशाना बनाते हैं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पुलिस कमिश्नर KK राव ने भी कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद पुलिस सुनिश्चित करेगी कि ये व्यवस्था में किस तरह से रुकावट ना आए। हालांकि पुलिस भी क्या करे, पुलिस को भी सख्त आदेश है भाई कि खुले में नमाज पढ़ने वालों को अगर कोई छेड़ता है तो उस पर कार्रवाई करने में कोई कसर मत छोड़ना। कुछ सोशल मीडिया यूजर ये भी कहते हैं कि जिन सरकारों को हमने जिसकी वजह से वोट दिया था वो तो अल्पसंख्यकों की दादागिरी को और बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी दादागिरी खत्म ही नहीं कर रहे हैं, उनको खुले में नमाज पढ़ने से रोक ही नहीं रहे हैं, फिर क्या फायदा ऐसी सरकार का। ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया के यूजर्स कह रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप ये भी है कि नमाज के वक्त खुले इलाके में भारी भीड़ जमा हो जाती है, जिससे मुख्य मार्ग जाम हो जाता है और यातायात बाधित हो जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने पर इलाके में रहने वाले लोगों की आवाजाही पर भी इफेक्ट पड़ता है, उनको दिक्कत होती है। हाँ, तो हरियाणा वालों, एक सवाल आखिरी में आप लोगों के लिए, मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि हरियाणा तो आपका है, क्या खुले में नमाज पढ़ने वाले लोग या फिर उन्हें परमिशन देने वाली सरकार आपकी है या नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब जरूर देना, क्योंकि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और कोई इस मामले को अच्छे से छेड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि बात धर्म विशेष की है, क्योंकि बात विशेष समुदायों की है, बात मुसलमानों की है। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।